हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये चार नंबर में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है और इसका व्यंजक कैसे निकालेंगे। काफी आसान है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम यहां से एक अभिक्रिया ले लेते हैं ए, और ए से कोई यहां से उत्पाद बन रहा है। ध्यान से समझना बच्चों, काफी ज्यादा आसान है, बस वीडियो को कंप्लीट देखने की जरूरत है, ठीक। ए क्या है? कोई अभिकारक है। अभिकारक किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक, उन्हें अभिक्रिया क्या कहते हैं? हम अभिकारक कहते हैं, ठीक, यानी जिनके द्वारा अभिक्रिया से कुछ ना कुछ बनती है, ठीक है ना, हम उनको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो कुछ भी बन जाता है उसे कहते हैं उत्पाद, ठीक। तो ये क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना, ए क्या है? अभिकारक है, ठीक। अभिकारक यानी जो घटक मिल करके, ठीक, अभिक्रिया को संपन्न करते हैं वो अभिकारक होते हैं, और जो कुछ बनता है वो तो उत्पाद हमने लिख ही दिया है, चाहे यहां पर आप बी सी डी कुछ भी मान सकते थे। तो यहां से ए से एक उत्पाद बन रहा है, यानी ए अभिकारक है और कुछ ना कुछ उत्पाद बन रहा है, ठीक। और इसी अभिक्रिया के मदद से हम क्या करेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालेंगे, ठीक। सबसे पहले समझ लेते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते किसे हैं। भाई मान लेते हैं, यह भी तो पता होना चाहिए ना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है क्या, ठीक। शून्य कोटि की अभिक्रिया, मान लेते हैं अगर परिभाषा आ गया तो भाई हमें दिक्कत ना हो रसगुल्लों, इसलिए इसको भी जानना बेहद जरूरी है। तो ध्यान से समझना, कॉपी और पेन लेकर के बैठना, छाप लेना। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर यानी dx अपॉन dt, इसको अभिक्रिया की दर बोलते हैं बच्चों, या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक क्या है? a है, तो अभिकारक a है, तो यहां से a, और अभिकारक की सांद्रता, कोष्ठक लगा दिए बच्चों, सांद्रता हो गया, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है, उस अभिक्रिया को कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। बात समझ में? हमने क्या बोला बच्चों कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होती है, उस अभिक्रिया को कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। या डायरेक्टली कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की घातों पर निर्भर ही नहीं करती, यानी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती, उस अभिक्रिया को कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक। तो यहां से अब ध्यान देना, हम क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया से, शून्य कोटि की अभिक्रिया के परिभाषा से भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या कहती है? जिसमें अभिक्रिया की जो दर है, यानी dx अपॉन dt है बच्चों, अभिक्रिया की दर है, वो क्या कह रहा है कि अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। कौन? अभिक्रिया की दर, ठीक। इसको अगर हम थोड़ा सही से लिखेंगे बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt, और हमें पता है जब अनुक्रमानुपाती का हम चिन्ह हटाते हैं रसगुल्लों, तो क्या कांस्टेंट, यानी कोई ना कोई क्या है, नियतांक आ जाता है। तो यहां k क्या है? नियतांक है, और ये a क्या है? यहां से ये लिखा हुआ है। और कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, x की घात जीरो हो, दो की घात जीरो हो, दस के घात जीरो हो, पांच के घात जीरो हो, तो उसका जो वैल्यू है वो एक हो जाता है। इसलिए ध्यान से समझना, ये बचेगा केवल dx अपॉन dt इक्वल टू k हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से समझना, इसके घात हमने बताया ना, कोई भी संख्या उसके घात जीरो हो तो उसका वैल्यू एक, भाई इस पूरे का मान एक हो जाएगा, ठीक है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक। तो यही चीज है। अब यहां से हम इसको लिखेंगे बच्चों, तो dx बराबर लिख सकते हैं k इंटू dt, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। यहां से के dx बराबर k इंटू dt हो गया। अब लिखेंगे कि समाकलन करने पर,
समाकलन करने पर, इसका हम समाकलन कर देते हैं, ठीक। समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, समाकलन का मार्ग डी एक्स बराबर हो जाएगा के, अचर पद है इसको बाहर ही रखते हैं, समाकलन डी टी, ठीक है ना। अब देखिए जिसके सापेक्ष किया जाता है, एक फार्मूला समझ लीजिए, जैसे समाकलन डी एक्स है तो इसका वैल्यू एक्स हो जाएगा, समाकलन डी टी है तो मतलब टी हो जाएगा, समाकलन डी आर है तो मतलब आर, यानी जिसके सापेक्ष किया जाए, समझ लीजिए एक प्रकार का ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है ना, ये समझ लीजिए, इसको बाकी आपको छापना नहीं है, तो ये समझ लीजिए, ठीक। समाकलन में तो समाकलन डी एक्स, डी एक्स हमने बताया ना एक्स के सापेक्ष हो रहा है, एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों एक्स अकेले, ठीक, बराबर एक्स बराबर ये हो जाएगा के इंटू, उसके बाद यहां से डी टी, डी टी है तो टी हो जाएगा, ठीक, टी और प्लस का सी हो जाएगा, यानी ये क्या है, समाकलन नियतांक होता है, ठीक। तो इसको हम समीकरण एक दे देते हैं। अब यहां से ध्यान से समझिएगा कि यदि मान लेते हैं बच्चों कि किसी दरमियान यदि टी बराबर जीरो हो तो एक्स बराबर जीरो, ठीक, यानी समय मतलब जीरो रख दिया जाए, समय ना के बराबर हो तो भाई जो अभिक्रिया की दर होगी वो भी क्या हो, शून्य हो जाएगी, यानी अभिक्रिया होगी ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में ये वैल्यू यहां पर जब हम रखेंगे भाई एक्स के मान, एक्स की जगह पर हम जीरो रख देंगे, बराबर यहां से के है के इंटू टी के स्थान पर जीरो रखेंगे प्लस सी, ठीक। तो यहां से जो मान निकल कर आया सी बराबर जीरो निकल कर आया, ठीक। अब यहां से लिखेंगे समीकरण एक से, ठीक, समीकरण एक से भाई, समीकरण एक में हम क्या करते हैं, जो वैल्यू है पुट कर देंगे, तो एक्स बराबर के इंटू टी प्लस ये जीरो, जीरो से कोई मतलब है नहीं, केवल एक्स बराबर के इंटू टी बच गया, या फिर यहां से हमें अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का चाहिए, यानी के बराबर मान चाहिए, तो के बराबर क्या हो गया, एक्स अपॉन टी, के बराबर हो गया एक्स अपॉन टी, यही हो गया शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक। 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था और 23 में क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसका मात्रक भी लिखिए। तो भाई मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ठीक, बात समझ में आई। तो ये रहा बच्चों शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए रसगुल्लों, शून्य कोट की अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होती है, उस अभिक्रिया को कहते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया, ठीक। तो भी यहां से हमने शून्य कोट की अभिक्रिया के मदद से हमने क्या किया, अभिक्रिया के मतलब शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त किया। आई होप कि ये टॉपिक बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।